भारती हेक्साकॉम, मेरे ख्याल से इसकी लिस्टिंग ने सबको सरप्राइज करा है, 42-40% का प्रीमियम अब कमांड कर रहा है इश्यू प्राइस के ऊपर। इस तरह की गजब की लिस्टिंग, ठंडा रिस्पॉन्स था रिटेल से, एचएनआई से, जो कुछ आया वो क्यूआईबी से आया था, तो रिटेल जिन्होंने लगाया होगा लार्जली सबके पास माल आया है। क्या करूं, 40% हो गया, अब निकाल दूं, अब तो भारतीय एयरटेल की वैल्यूएशन के करीब खड़ा हो गया जाके ये, या फिर रखे रहूं? गुड आफ्टरनून आशीष, देखिए हमने तो रेकमेंड दिया था कि सब्सक्राइब करना है, हमने 10-15% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया था, बट यस बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है। देखा जाए तो इसके पीछे 2-3 कारण है, क्यूआईबी बुक बहुत स्ट्रांग बनी है और वो स्ट्रांग हैंड्स कहलाते हैं आशीष, तो वीक हैंड्स तो है ही नहीं मार्केट में, इसीलिए डिमांड सप्लाई भी अगर आप देखिए तो डिमांड आज के दिन में काफी स्ट्रांग है जो शेयर प्राइसेस को इतना ऊपर लेके गई। आरपूस की बात करें तो इनके आरपूस काफी स्ट्रांग है, अच्छा खासा राइज है और नॉर्थ ईस्ट सर्कल और राजस्थान सर्कल में तो ये नंबर 1 नंबर 2 पोजिशन पे रेस्पेक्टिवली भी है, तो बढ़िया कंपनी ये लगती है, अच्छा क्यूआईबी स्टॉक भी है और मुझे लगता है आगे जाते हुए अगर गवर्नमेंट की कोई भी नीति टेलीकॉम सेक्टर के लिए आती है तो ये वेल प्लेस्ड है उसको केटर करने के लिए, तो अभी भी हम लोग पॉजिटिव ही बने हुए हैं और हमारा टारगेट तो यहाँ से भी 900-950 का है, लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट दे रही हूँ। अब अगर किसी ने लगाया है और सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया है तो सलाह है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, नई खरीदारी अभी ना करें, एक बार 750-800 के जोन में ये स्टॉक मिलता है तो हम नई खरीदारी के लिए वापस रेकमेंड करेंगे। अल्टीमेट टारगेट एक बार 940-945 का रह सकता है और उसके बाद फिर री रेटिंग भी की जा सकती है, तो हाल फिलहाल में होल्ड करने की सलाह है, कुछ प्रॉफिट चाहे तो बुक करें पार्शली, लेकिन नई बाइंग के लिए बाइंग ऑन डिप्स का इंतजार करें। चलिए सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और भारतीय हेक्साकॉम पे अपना व्यू देने के लिए। तो यहाँ पे आज ये क्या चल रहा है, आज हमने दो स्टॉक से बातचीत करी, भारतीय हेक्साकॉम और साथ ही साथ जोमेटो पर। अभी काम करते हैं बिग मार्केट वर्सेस के करीब।